तो दोस्तों, आपने काफ़ी बार देखा होगा टेक्निकल गुरुजी के चैनल में एक रनिंग टेक्स्ट चलता हुआ टेक्स्ट। दोस्तों, आज मैं वही बताने वाला हूँ कि वो आप टेक्निकल गुरुजी जैसा ही कैसे एक रनिंग टेक्स्ट चलता हुआ टेक्स्ट कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास टेक्निकल। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले आपको काइन मास्टर में जाना है और काइन मास्टर में जाने के बाद, अगर दोस्तों आपको काइन मास्टर चलाना नहीं आता है तो मैंने पहले से ही इसके तीन चार वीडियो बना के रखे हैं। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उन वीडियोस को देख के काइन मास्टर चलाना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इधर प्लस वाला आइकन दिख रहा होगा, इस पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और 16:9 वाले स्क्रीन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। और फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है मीडिया में जाके। और मीडिया में जाने के बाद दोस्तों, आपको बैकग्राउंड में जाना है। और बैकग्राउंड में जाने के बाद आपको एक ये ग्रीन कलर का सिलेक्ट कर लेना है बैकग्राउंड। दोस्तों, इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, आपको लेयर में जाना है। और लेयर में जाने के बाद एक टेक्स्ट में जाना है। और टेक्स्ट में जाने के बाद दोस्तों, आपको एक डॉट सा सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, मैंने एक डॉट सा सिलेक्ट कर लिया है और ओके कर दिया है। दोस्तों, मैंने एक डॉट सिलेक्ट कर लिया है। डॉट सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, आप नीचे जाएंगे। दोस्तों, इधर बैकग्राउंड कलर, तो दोस्तों इसको इनेबल कर देना है। और दोस्तों, इसको बड़ा कर देना है, काफ़ी बड़ा, पूरे स्क्रीन जितना। दोस्तों, इसको बड़ा करने के बाद आपको जितना स्क्रीन पर टेक्स्ट चलाना है उतना आप इसको इधर रख सकते हैं। और दोस्तों, अब इसका हमें कलर थोड़ा, ये लाइट है तो इसको हमको डार्क करना है और गाढ़ा करना है इसका कलर। इसके लिए आपको इस बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको इधर इसका परसेंटेज दिख रहा होगा, इसको आपको 90 कर देना है। दोस्तों, 90 करने के बाद इसको ओके कर देना है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से एक पट्टी जैसी बन गई है। और दोस्तों, इसके ऊपर हमको एक टेक्स्ट चलता हुआ दिखाना है। दोस्तों, अब हमको टेक्स्ट लिखना है। दोस्तों, आप टेक्निकल गुरुजी वाला ही टेक्स्ट लिख सकते हैं या फिर अपने मन से भी कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। दोस्तों, मैंने पहले से ही टेक्निकल गुरुजी जैसा एक टेक्स्ट लिख के रखा है, तो मैं उसको, दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं पहले से ही इधर लिख के रखा हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग, जो टेक्निकल गुरुजी अपने चैनल में चलाते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेना है, तो मैं थैंक्स से इसको कॉपी कर लूँगा कुछ दो लाइन, क्योंकि ये पूरा नहीं आ पाएगा। इसके लिए मैं इसको दो लाइन कॉपी कर लूँगा। तो इधर से कॉपी करके आपको काइन मास्टर में जाके आपको पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने के लिए दोस्तों, आपको लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद टेक्स्ट में जाना है और आपको इधर प्रेस करके रखना है थोड़ा देर, और आपको इधर पेस्ट कर देना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इधर दो लाइन आ चुकी है। तो दोस्तों, उस पर हमको एक ही लाइन लेना है, तो नीचे वाली लाइन को हम मिटा देंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं एंड का सिर्फ an आ रहा है, इसके लिए हम इसको पूरा मिटा देंगे। दोस्तों, हमने एक लाइन ले ली है और उसको ओके कर देंगे। दोस्तों, कुछ इस तरह ये आ गया है। अब इसको हमको रनिंग करवाना है। इसके लिए हमको इसको एकदम लास्ट में ले जाना है, और एकदम लास्ट में ले जाने के बाद इसको फिर हमको ये लेयर्स के लास्ट में चले जाना है कुछ इधर। और इधर जाने के बाद दोस्तों, आपको इस की वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको प्लस वाले पे क्लिक करना है और इसको लास्ट तक ले जाना है ये वाले टेक्स्ट को। तो ये वाले टेक्स्ट को हमको लास्ट में ले जाना है और लास्ट तक हमको इसको ले जाना है, और फिर हमको इधर से ओके कर देना है। दोस्तों, ऐसी हमारी ये फर्स्ट लाइन क्रिएट हो गई है। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि हम और भी ऐसी लाइन लाएंगे और इसको ज्वाइंट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह हमारा फर्स्ट बन गया है। ऐसे ही हमको बाकी सब बनाना है। दोस्तों, हम एक एक लाइन ला के इस पर जोड़ते जाएंगे और फिर एक पूरा बन जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको फिर से
ये जहाँ हमने इसको लिखा हुआ है उधर जाएंगे। दोस्तों हमने उधर से कॉपी कर लिया इसको, अब इधर इसको पेस्ट कर देंगे। दोस्तों जो फर्स्ट वाली लाइन थी उसके बाद वाला हमने कॉपी किया है, तो फिर से इधर दो लाइन आ गई है, तो हम नीचे वाली लाइन को मिटा देंगे पूरा। तो आप देख सकते हैं मैक का सिर्फ एम ए आ रहा है, तो इसको हम पूरा मिटा देंगे और सिर्फ एक लाइन ले लेंगे और ओके कर देंगे। तो दोस्तों जो हमारा लास्ट लाइन थी उसके पीछे ही हमको इसको जस्ट लगाना है, तो इसको लास्ट तक ले जाएंगे। तो दोस्तों अब हमको इसको इधर इसके पीछे लगा देना है कुछ इस तरह, और इस पर क्लिक करके हमको इस लास्ट में चले आना है और इस पर की वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और फिर हमको प्लस वाले पे क्लिक कर देना है और इसको लास्ट तक लेके जाना है ये वाली लाइन को। दोस्तों ऐसी लाइन सब हमको इसी तरह करनी है और ओके कर देना है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि कुछ इस तरह ये चालू होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो ये कुछ ज़्यादा जल्दी चली जा रही है। दोस्तों ये आपको भी प्रॉब्लम होगा, इसके लिए आपको इधर टाइमिंग सेट करना पड़ेगा। आपको इस पर आप जितनी बड़ी लेयर करोगे उतना स्लो टेक्स्ट हो जाएगा और जितना छोटा लेयर करोगे उतनी फास्ट टेक्स्ट हो जाती है। दोस्तों इसके लिए हमको इधर टाइमिंग थोड़ा स्लो करना पड़ेगा। दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसको आपको लास्ट तक ले जाना है, ये आपको इधर तक ले जाना है और इस वाले टेक्स्ट को इधर से एडजस्ट कर लेना है इधर से। दोस्तों आप देखेंगे कि ये पूरा एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं एकदम अब कुछ आगे पीछे नहीं हो रहा है एंड और साथ साथ में जा रहा है अपनी स्पेस के साथ। दोस्तों ऐसे ही हमको बाकी एक दो लाइन और आएगी तो उसको भी ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले हम जहाँ लिखे थे उसको ले लेना है। तो फ्रेंड्स मैंने उधर से कॉपी कर लिया है, अब मैं इधर पेस्ट कर दूंगा। तो दोस्तों जो सेकंड वाली लाइन थी मैं उसके बाद वाली लाइन लिया हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं फिर से इधर दो लाइन आ गई है, तो नीचे वाली लाइन को हम मिटा देंगे। तो नीचे वाली लाइन को मिटा दिए और ओके कर देंगे। तो सबसे पहले इसको लास्ट में ले जाना है। तो दोस्तों इसको सबसे पहले लास्ट में ले जाना है, इधर लास्ट में ले आना है और इसको हमको क्लिक करना है की वाले ऑप्शन पे। तो की वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही ये प्लस वाला ऑटोमेटिक हो गया इस बार। तो दोस्तों अब हमको इसको लास्ट तक लेके जाना है, इसको लास्ट तक लेके जाना है और ओके कर देना है। दोस्तों आप देख सकते हैं तो ये फिर से स्टार्ट हो जाएगी ऐसे। दोस्तों फिर से ये मैक इसके साथ में आ रहा है, इसके लिए हमको वही फार्मूला आजमाना है, इसको लास्ट तक लेके जाना है और इधर अब इसको इधर से सेट कर देना है। तो टू के थोड़ा स्पेस देके सेट कर देना। तो अब इसको हम चालू करते हैं। तो दोस्तों हम इसको अभी इधर से भी सेट कर लेते हैं। दोस्तों इसको सेट करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसके लिए थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, इसकी टाइमिंग फिट कीजिएगा। दोस्तों हम इसको अब लास्ट तक ले जाएंगे, लास्ट तक। दोस्तों इधर टू के लास्ट तक लेके गए, अब इधर से हम इसको सही कर लेंगे और इधर से सही कर लिया, अब इसको हम देखेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये मैक, थोड़ा इसको और सही करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको हम कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे। तो हमारा ये सेट हो चुका है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरह काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है और हमें सब एक ही लाइन पे दिख रहा है। दोस्तों तो ऐसी हमारी लास्ट लाइन बची है, तो लास्ट लाइन को भी हम फ्रेंड्स हमने लास्ट वाली लाइन भी कॉपी कर लिया है, अब इधर हम पेस्ट कर देंगे। जो थर्ड वाली लाइन थी उसके बाद वाली हमने लिया है फ्रेंड्स, और इसको जो हमने टेक्स्ट लिया था उसको पेस्ट कर दिया और इसको ओके कर देना है। तो फ्रेंड्स हमने ये टेक्स्ट ले लिया, अब इसको हमको लास्ट में लेके जाना है, जो हमने पहले किया था वैसे ही करना है, इसको लास्ट में लेके जाना है। और लास्ट में लेके जाने के बाद ये टेक्स्ट लाइन के लास्ट में जाना है। दोस्तों इसको और इधर ले लेते हैं,
तो दोस्तों ये लाइन के लास्ट में जाना है, और लाइन के लास्ट में जाने के बाद दोस्तों आपको इस वाले की पे क्लिक करना है और इसको प्लस कर देना है, और फिर इसको ये पूरा एंड तक लेके चले जाना है। तो एंड तक पूरा लेके जाने के बाद इसको ओके कर देना है दोस्तों। अब हम इसकी टाइमिंग देखेंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं काफ़ी लेट आ रहा है और जल्दी भी आ रहा है, तो इसकी टाइमिंग सेट करेंगे हम। तो इसकी टाइमिंग कुछ इधर से, तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, और इसको थोड़ा ऐसे करें तो। और दोस्तों एक फार्मूला मैंने पहले बताया था कि ये लाइन के लास्ट तक लेके जाए और फिर इसको सही कर लें, इस पर क्लिक करके इसको इधर से सही कर लें। दोस्तों ये हर लाइन पे आप ऐसे करेंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा कुछ इस तरह। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इसको, तो ये सोशल मीडिया फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों काफ़ी अच्छे से हमारा ये छोटा सा बन गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा ये बन गया है, तो मैं एक बार चालू करके आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये कुछ इस तरह से चालू हो रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरह बन गया, तो हम अब लास्ट का हटा देंगे। और दोस्तों हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे ताकि हम दूसरे भी वीडियो में यूज कर पाएँ। तो इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, इधर से शेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे और इधर एक्सपोर्ट कर देंगे। दोस्तों ये कुछ 5-6 सेकेंड में हो जाता है, क्योंकि छोटा वीडियो, अगर आपका बड़ा कुछ बड़ा वीडियो होता है तो उस पर टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स ये एक्सपर्ट हो गया, अब हम इसको दूसरे वीडियोस में यूज करके देखेंगे। तो दोस्तों मैं ये वीडियोस में इसको यूज करके देखता हूँ, तो हम इसको यूज करेंगे फ्रेंड्स। तो अब हमको चले जाना है लेयर्स में, और लेयर्स में जाने के बाद आपको मीडिया में चले जाना है, और फिर इधर एक्सपर्ट से जो मैंने एक्सपर्ट किया था ये फर्स्ट वाला, और इसको हमको पूरे बैकग्राउंड में कर लेना है कुछ इस तरह, इसको ओके कर देना है। और दोस्तों अब इसको हमको एक ऑप्शन होता है क्रोमा की, तो क्रोमा की को हमें इनेबल कर देना है। दोस्तों इधर से इनेबल हो जाएगा और ओके कर देना है। दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह ये बनेगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कुछ इस तरह ये बन गया। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो में, लेकिन बन गया लास्ट में। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट कर देना, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आपने देखा मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ और आपको ऐसी वीडियो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।